अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं टॉप 5 खबरों की। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में 4 दिन से रोका गया प्लेन अब मंगलवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। इस फ्लाइट में कुल 276 लोग सवार थे, और बताया जा रहा है कि करीब 25 दिसंबर को पेरिस के वाटरी एयरपोर्ट से ये इस फ्लाइट से उड़ान भरी गई थी, और मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही CISF के जवानों ने इनसे पूछताछ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया कर्मियों के सवालों से ये लोग भी भागते हुए नजर आए। कुछ लोग खबरों के अनुसार इसमें ज़्यादातर लोग पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 24 से 25 यात्री ये वापस नहीं आए हैं और फ्रांस में ही शरण लेने के लिए आवेदन दी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग वापस आए हैं। बॉलीवुड और भोजपुरी स्टार कमाल आर खान यानी कि KRK को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमाल खान ने खुद एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मुंबई से दुबई जा रहे थे, और तभी एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुंबई पुलिस ने खुद को गुजराती फिल्मों का डायरेक्टर बताने वाले साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। साजिद पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 3 लोगों को सरकारी अस्पताल से बच्चे का अपहरण करने का दोषी पाया है और 5 साल 6 महीने के सक्षम कारावास की सजा सुनाई है। खबर यूपी के फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में पुलिस ने 36 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेश में रहने वाले लोगों को धोखाधड़ी करके मोटी रकम ऐंठा जाता था।